श्री सदगुरुवे बाबा श्री मस्त रामाय नमः। अच्छा बाबा मस्त राम जी की हमने एक वेबसाइट बनाई है, वेब डिजाइन है, वेबसाइट डिजाइन की है और उसका जो एड्रेस है वो है श्री श्री में SRI। आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जरा उसको विजिट करना वेबसाइट को, श्री मस्तराम बाबाजी .com। सरस्वती महाभागे विद्य कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। तो जो पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं ना, उसमें दो तीन बातें ध्यान रखने की हैं। एक तो ये कि जो पूर्व पक्ष है उसका ये आग्रह है कि अहम का जो देह इत्यादि के लिए प्रयोग हम करते हैं वो गौण प्रयोग, जबकि सिद्धांति के अनुसार हम ब्रह्म से आत्मा और शरीर का तादात्म्य कर लेते। सिद्धांति का है कि ब्रह्म है, अभ्यास की सिद्धि करने जा रहे हैं क्योंकि भगवत्पाद। और दूसरी बात कि जो पूर्व पक्षी है वो अहम अनुभव को ब्रह्म साक्षात्कार का अनुभव मान करके बात कर रहा है, जो ये आया था कि भाई क्योंकि अहम अनुभव में ब्रह्म का मुझे अनुभव हो ही गया है, ब्रह्म के बारे में कोई संदेह है ही नहीं, इसलिए शास्त्र को प्रारंभ करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसी ज्येष्ठ प्रमाण उस प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर ही यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, जैसा सत्यमूर्ति जी कह रहे हैं, नच ज्येष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष विरोधात आमनायस्यैव तदपेक्षस्य अप्रामाण्यम उपचरितार्थम उपचरितार्थत्वम चेति युक्तम। तो पूर्व पक्ष ये कह रहा है ना कि मुझे जो अहम का अनुभव है और जो सबको होता है, यानी अपने बारे में तो किसी को शंका ही नहीं होती ना, अपना और खुद शंकराचार्य जी कहेंगे अपने बारे में जो निषेध करता है वो निषेध करता का अस्तित्व तो माना ही जाता है। यानी डेकार्ट जो एक वेस्टर्न फिलोसफर है ना, वो ये कहते हैं कि आई की जो मुझे प्रतीति हो रही है ना वो इनडुबिटेबल है, इसमें कोई शंका नहीं है। उसका बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। और इसी प्रकार यदि मैं अपने बारे में डाउट भी कर रहा हूं तो जो डाउट करने वाला है उसके बारे में तो कोई संदेह है ही नहीं ना। इसी बात को लेकर पूर्व पक्ष कह रहा है कि जो मुझे अहम का अनुभव हो रहा है, आत्मा का अनुभव हो रहा है, आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। और इसी प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर के वो कहता है कि आमना है में जो कुछ कहा गया आत्मा के बारे में कि आत्मा नित्य है, आनंद स्वरूप है, एक रस है, चैतन्य रूप है इत्यादि इत्यादि, क्योंकि मेरे अनुभव से उसका आमनाय का उपनिषदों का विरोध है, आमनाय के साथ विरोध होने के कारण मेरे अनुभव को ज्यादा महत्व दीजिए और आमनाय को अप्रामाणिक मानिए, क्योंकि मेरे को जो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है वो जो प्रत्यक्ष अनुभव मुझे आत्मा में सुख दुख इत्यादि कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि मुझको अनुभव हो रहे हैं वो उपनिषदों में नहीं बताया गया है, इसलिए उपनिषदों की बातें झूठी हैं। तो उपनिषदों को अप्रामाणिक मानो और ज्यादा से ज्यादा आप उनको उपचरितार्थक मान लो, गौण अर्थक मान लो, अर्थात आत्मा में उनका तात्पर्य नहीं है ऐसा मान लो। ये इस वाक्य का अर्थ है, नच ज्येष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष विरोधात आमनायस्यैव तदपेक्षस्य अप्रामाण्यम उपचरितार्थम उपचरितार्थत्वं च इति युक्तम। नच युक्तम ये सिद्धांती की तरफ से है ना,
ये जो पूर्व पक्षी अपनी इस बात को उठा रहा है, ये बात ठीक नहीं है। अब क्यों ठीक नहीं है उसके लिए कह रहे हैं कि क्योंकि भाई आमनाएं जो ना अपौरुषेय है, जो पुरुष में विप्रलिप्सा इत्यादि और अन्य प्रकार के दोष आ जाते हैं वो आगम में नहीं है, वो श्रुति में नहीं है, इसलिए श्रुति के अंदर तो किसी प्रकार के दोष की आशंका है ही नहीं। तस्य अपौरुषेयतया निरस्त समस्त दोषा शंकस्य बोधकतया स्वतः सिद्ध प्रमाण भावस्य स्वकार्ये प्रमितौ अनपेक्षत्वात्। तस्य आगमस्य या श्रुति प्रमाणस्य या श्रुतेः अपौरुषेयतया, श्रुति अपौरुषेय है इसलिए उसमें किसी भी प्रकार के दोष की आशंका है ही नहीं, और बोधकतया वो जो ज्ञान कराता है आगम वो तो स्वतः सिद्ध प्रमाण है, उसका प्रमाण भाव स्वतः सिद्ध है। और जैसे मीमांसक भी तो स्वतः प्रामाण्य मानते हैं ना ज्ञान का, ठीक इसी प्रकार से वेदांति भी ज्ञान को स्वतः प्रमाण मानते हैं। तो शास्त्र से जो प्रमिति उत्पन्न हो रही है उसके प्रमितित्व को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जैसे न्याय इत्यादि में अनुमान इत्यादि की होती है, वो प्रतः प्रतः प्रामाण्यवादी नहीं आई। अब दूसरी बात चल रही जो पिछली क्लास में हो रही थी कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसकी आगम प्रमाण की निष्पत्ति के लिए उस प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। आगम वाक्य का जब शब्द परोक्ष होता है, आगम प्रमाण तत्त्वम असि वाक्य मैंने बोला, तो तत्त्वम असि वाक्य का पहले शब्द प्रत्यक्ष होगा, जब शब्द प्रत्यक्ष होगा तब वो आगम प्रमाण की निष्पत्ति हो गई, फिर हम उसमें वाक्यों के अंदर शक्ति ज्ञान से शक्ति ज्ञान का उपयोग करेंगे, आकांक्षा आसक्ति इत्यादि का उपयोग करेंगे, फिर उसका शब्द बोध होगा, वो शब्द बोध प्रमिति है। लेकिन उससे पहले जो आगम प्रमाण की आगम प्रमाण है इसको तो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से जानना ही होगा ना, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से पहले आगम प्रमाण की निष्पत्ति होती है, फिर आगम प्रमाण से जो प्रमिति उत्पन्न होती है उस प्रमिति की उत्पत्ति में उस शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण दिया था मैंने कि घड़ा बनाने में कुंभकार की जरूरत है, लेकिन घड़े से जब हम जल आहरण कर रहे हैं तो उसमें कुंभकार की अपेक्षा नहीं। ठीक इसी प्रकार से आगम प्रमाण से जब प्रमिति उत्पन्न होती है वो प्रमिति तभी उत्पन्न होगी जबकि पहले आगम प्रमाण निष्पन्न हो जाए और उस आगम प्रमाण की निष्पत्ति के लिए शब्द का प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान हो जाए, तो इस की बात कर रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे जब प्रमिति उत्पन्न होती है उसमें उस प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, फिर वो ये रेपिटिशन हो रहा है सत्यमूर्ति। प्रमितौ अनपेक्षत्वेपि उत्पत्तौ प्रत्यक्षापेक्षत्वात् तद्विरोधात् अनुत्पत्ति लक्षणम् अप्रामाण्यम् इति चेत्। चलो भाई प्रमिति में उसकी अपेक्षा नहीं है, किसकी? शब्द के प्रत्यक्ष शब्द के ज्ञान की जो प्रत्यक्ष प्रमाण से हो रहा है। प्रमितौ अनपेक्षत्वेपि उत्पत्तौ प्रत्यक्षापेक्षत्वात्, तो आगम प्रमाण की उत्पत्ति के लिए तो प्रत्यक्ष की अपेक्षा है ना, भले ही आगम प्रमाण से जो प्रमिति उत्पन्न हो रही है उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा नहीं हो कोई बात नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा है, परंतु आगम प्रमाण की उत्पत्ति में तो प्रत्यक्ष की अपेक्षा है।
प्रमितौ अनपेक्षत्वेपि उत्पत्तौ प्रत्यक्षापेक्षत्वात्। उत्पत्ति में प्रत्यक्षी अपेक्षा है और वो जो आगम प्रमाण है वो मेरे अनुभव से उसका विरोध पड़ रहा है, तो विरोध होने के कारण पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि वो आगम प्रमाण उत्पन्न ही नहीं होगा। हेतु दे रहा विरोधात्, पूर्व पक्ष के अहम अनुभव, जो अहम अनुभव पूर्व पक्ष को प्रत्यक्ष है, उसी प्रत्यक्ष की बात को शब्द प्रत्यक्ष में भी ले रहा है, वो आगम प्रमाण से उसका जो प्रत्यक्ष है उसके साथ विरोध हो रहा है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है विरोध होने के कारण वो आगम प्रमाण तो उत्पन्न ही नहीं होगा और उसमें अनुत्पत्ति लक्षण अप्रामाण्य की प्रसक्ति हो जाएगी। जो कुमारिल भट्ट की बात हमने की थी, अप्रामाण्यम त्रिधा भिन्नम मिथ्यात्व अज्ञान संशय, यानी अप्रामाण्य तीन प्रकार का होता है, एक तो भ्रम हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया, और एक संशय हो गया, तीसरे प्रकार का इन्होंने कहा अज्ञान। अज्ञान का मतलब है ज्ञान का, ज्ञान की अनुत्पत्ति, यहां अज्ञान का मतलब है ज्ञान का अभाव। तो जो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही, यानी अनुत्पत्ति है स्वरूप जिसका, ऐसा अप्रामाण्य उपस्थित हो जाएगा, पूर्व पक्ष ये कह रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष के साथ आगम प्रमाण का विरोध है। तो यहां पर दो बातें चल रही, एक तो शब्द का प्रत्यक्ष हो रहा है और दूसरा वो अहम अनुभव को भी साथ में लेके चल रहा है, अहम अनुभव से आगम का विरोध है, उसी बात को यहां पर वो उठा रहा है कि विरोध होने के कारण वो आगम प्रमाण, आगम प्रमाण का ज्ञान ही नहीं होगा, ये अनुत्पत्ति लक्षण अप्रामाण्य की प्रसक्ति हो जाएगी। ये पूर्व पक्ष ने जब कहा तो सिद्धांत कह रहा है कि भाई ऐसी बात नहीं है, उत्पादका प्रतिद्वंद्वित्वात्, ये जो आगम प्रमाण है ना, ये आगम प्रमाण से जो प्रमिति इत्यादि होती है और आगम प्रमाण स्वयं उसकी जो सत्ता है उसके उसके उत्पन्न होने में जो उत्पादक शब्द प्रत्यक्ष है, शब्द प्रत्यक्ष आगम प्रमाण का उत्पादक हो गया ना, शब्द प्रत्यक्ष आगम प्रमाण की निष्पत्ति हो रही है ना, तो सिद्धांती ये कह रहा है कि आगम का शब्द प्रत्यक्ष से कोई विरोध नहीं है, शब्द प्रत्यक्ष तो आगम प्रमाण को निष्पन्न कर रहा है, इसलिए उसका वो प्रतिद्वंद्वी नहीं है, और प्रतिद्वंद्वी नहीं है, विरोध नहीं है, तो अनुत्पत्ति लक्षण अप्रामाण्य नहीं रहेगा। तो जो अनुत्पत्ति लक्षण अप्रामाण्य का दोष दिया था पूर्व पक्ष ने, सिद्धांती उसको ये कह रहा है कि उत्पादक जो शब्द प्रत्यक्ष है आगम प्रमाण के साथ, उसका कोई विरोध नहीं है, इसलिए अनुत्पत्ति लक्षण अप्रामाण्य की प्रसक्ति जो पूर्व पक्ष ने दी थी उसकी निवृत्ति हो गई। सर ये कहना चाहते हैं कि वो हाइपोथेटिकली जो आप समझ रहे थे कि उत्पत्ति ही नहीं होगी, वो स्थिति बनती ही नहीं है क्योंकि प्रतिद्वंद्विता है नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो कल्पना जगत में ही वो मान रहे थे ना, वास्तविक जगत में तो होती ही है ना उत्पत्ति। होती है वो, तो वो ये कह रहा है ना कि कारण, जैसे जैसे कुंभकार कारण है ना घड़े का, ऐसे शब्द प्रत्यक्ष भी तो कारण है ना आगम प्रमाण की निष्पत्ति का। ठीक है, तो जब उन दोनों में कोई विरोध ही नहीं है तो वो जो शब्द प्रत्यक्ष है वो आगम प्रमाण को जन्म दे देगा, तो अनुत्पत्ति लक्षण यानी अनुत्पत्ति स्वरूप जो अप्रामाण्य का दोष दिया उसने वो खत्म हो गया ना। हाँ सर, एक और शंका है, यहीं पे मैं उसको क्लैरिफाई कर लेता हूँ, तो फिर समस्या होगी। वो ये है ना कि दो स्थितियां हैं सर,
जो आपने दोनों बात कह दी ना, इसलिए मैं थोड़ा सा ना शंका में हूँ। पहली बात है कि प्रत्यक्ष जो श्रावण प्रत्यक्ष होता है उससे आगम उत्पन्न होता है, आगम प्रामाण्य, ठीक है। और दूसरी स्थिति है जो आप अद्वैत वेदांत की दृष्टि से बीच में भी उस दिन भी कह गए थे और आज भी शायद उसकी ओर इशारा कर रहे थे कि जो हमारा आगम प्रामाण्य उससे पुनः शब्द प्रत्यक्ष जो है ना, जो प्रत्यक्षवत हो जाता है ना तत्वमसि आदि, तो शब्द जन्य ज्ञान भी प्रत्यक्षवत होता है। तो आपका इशारा पहले पक्ष की ओर है, यानी श्रावण प्रत्यक्ष से जो उत्पन्न होता है वो आगम है, न कि आगम से जो उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्षवत उसको माना जाता है ना द्वैत वेदांत में। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ तो सीधा सीधा बात ये है कि आगम प्रमाण की सत्ता या आगम प्रमाण है, तत्वमसि वाक्य है, तत्वमसि वाक्य को सुनकर के वो आगम प्रमाण निष्पन्न हो गया ना। ठीक ठीक, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तत्वमसि, आप आपको शब्द प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक है, तो ये आगम प्रमाण निष्पन्न हो गया ऐसा। ठीक ठीक, श्रावण मात्र इतना, उसमें और इधर उधर बातें नहीं है कुछ भी, सीधा सीधा है ये कि शब्द प्रत्यक्ष, जब हमें शब्द प्रत्यक्ष हुआ उस समय आगम प्रमाण निष्पन्न हो गया, फिर उसके बाद परमिति उत्पन्न होगी। ठीक, तो प्रमिति वो स्वतः प्रमाण है, तो वो ये कह रहा है ना प्रमिति में उसकी अपेक्षा नहीं है शब्द प्रत्यक्ष की। ठीक, जैसे कुंभकार की अपेक्षा जलाहरण में नहीं है घड़े के लिए। नहीं, बहुत स्पष्ट है सर, बहुत स्पष्ट है, क्लियर है ना, बिल्कुल स्पष्ट। अच्छा, अब इस थोड़ी सी थोड़ी आगे चल रहे हैं, थोड़ा कठिनाई में गुजरे हैं वो, इतनी बात क्लियर हो गई ना, पिछली बात थी ना ये तो सारी, उत्पादका प्रतिद्वंद्वित्वात, यहां तक हो गई। ये उत्पादक कौन है मैं पूछ रहा हूं, श्रावण प्रत्यक्ष है। हाँ, श्रावण बिल्कुल ठीक है, ठीक नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उत्पादक का वो प्रतिद्वंदी नहीं है, और उत्पादक का प्रतिद्वंदी नहीं होने से, यानी कि दोनों में विरोध नहीं है, इसलिए अनुत्पत्ति लक्षण अप्रामाण्य नहीं रहा। आगे बता, आगे कह रहे हैं ये नहीं, आगम ज्ञानम साम व्यावहारिकम प्रत्यक्षस्य प्रामाण्य उपहन्ति। ये जो आगम ज्ञान है, आगम ज्ञान माने आगम जन्य प्रमिति, वो साम जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके उसके साम्यावारिक प्रामाण्य का हनन नहीं करता। यानी आगम ज्ञान से जो प्रत्यक्ष प्रमाण से शब्द प्रमाण की निष्पत्ति हुई, उस शब्द प्रमाण के प्रामाण्य का हनन नहीं करता। कैसे का? साम्यावारिक का। साम्यावारिक का मतलब ये है कि जो लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि जो हमको होता है प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि से ज्ञान, ये जो लौकिक प्रमाण है उनको यहाँ साम्यावारिक प्रमाण कह रहे हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, ये जो सब साम्यारिक साम्यावारिक प्रमाण है, लौकिक प्रमाण है, ये अध्यास के बाद होते हैं। आगे ये बात शंकराचार्य जी क्लियर भी करेंगे, अविद्यावद विषयाणि प्रमाणानि आगे आएगा। जितने भी, जैसे मुझे भी जो ज्ञान हो रहा है अपने ज्ञानेंद्रियों से, वो तभी हो रहा है ना जबकि सब आत्मा इत्यादि, आत्मा में सब कुछ अध्यस्त है। तो मुझको जो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है, ये साम्यावहारिक प्रत्यक्ष प्रमाण, तो इसके प्रामाण्य का आगम ज्ञान हनन नहीं करता, इसके प्रामाण्य का विरोधी नहीं है, क्योंकि यदि ये लौकिक प्रमाण से पहले तो हमें आगम प्रमाण की निष्पत्ति होती है, यदि उसका वो हनन ही कर देगा, यानी कि उस प्रत्यक्ष प्रमाण को ही खत्म कर देगा, तो आगम प्रमाण की निष्पत्ति कैसे होगी। तो इसलिए ये एक सामान्य बात ये कह रहे हैं, और आगे इसी बात को बड़े अच्छे ढंग से वो समझाएंगे भी, कि जो साम्यवहारिक प्रामाण्य है प्रत्यक्ष प्रमाण का, यहाँ पर ध्यान ये रखो शब्द प्रत्यक्ष का,
आगम ज्ञान उसका हनन नहीं करता, अर्थात आगम ज्ञान उसका विरोधी नहीं है। जब उसका विरोधी नहीं है तो ये न कारणाभावाद न भवेत, क्योंकि वो शब्द प्रत्यक्षी कारण था ना। और आप यदि ये कहते थे कि और आगम आगम प्रमाण में और शब्द प्रत्यक्ष में विरोध है, तो जो शब्द प्रत्यक्ष कारण था वो उसके नहीं रहने पर आगम प्रमाण की निष्पत्ति नहीं होगी, जिसको उसी को ये क्लियर कर रहे हैं। ये न कारणाभावात न भवे, जिससे ही यानी शब्द प्रत्यक्ष रूप कारण के अभाव होने के कारण वो नहीं हो। यदि आगम आगम ज्ञान साम्यवारिक प्रामाण्य का हनन कर देगा तो वो साम्यवारिक प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं रहेगा, तो फिर आगम ज्ञान भी नहीं होगा। ऐसी बात कही थी पूर्व पक्ष ने, तो सिद्धांत इसको क्लियर कर रहे हैं कि आगम ज्ञान प्रत्यक्ष का विरोधी नहीं है, जिससे कि प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में वो न हो। वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोधी नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण को तो मानता ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण की सत्ता के साथ उसका सामंजस्य है। इसलिए ये न कारणाभाव कारणाभावात न भवे, ये सिद्धांति जवाब दे दिया, सिद्धांति ने ये जवाब दिया। फिर सिद्धांति अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है, अपितु तात्विकम, अपितु आगम ज्ञानम प्रत्यक्षस्य तात्विकम प्रामाण्यम उपहन्ति। ये उसमें और ऐड कर लेंगे ना, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अपितु, यहां तो केवल तात्विकम दिया है ना, अपितु आगम ज्ञानम प्रत्यक्षस्य तात्विकम प्रामाण्यम उपहन्ति। अर्थात जो साम्यवहारिक प्रमाण है ना, वो तो उसका तात्विक स्वरूप तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अध्यास के बाद है, अविद्या के बाद है। और वो जो तात्विक प्रामाण्य है, यदि कोई हो तो, वो तात्विक शब्द प्रत्यक्ष का प्रामाण्य उस आगम प्रमाण का उत्पादक नहीं है। तस्य उत्पादकम, यहां पर क्या है, तत् का मतलब है तात्विकम प्रामाण्यम, तात्विकम प्रामाण्यम तस्य माने तस्य आगम ज्ञानस्य उत्पादकम भवति। इसलिए जो साम्यवारिक प्रत्यक्ष प्रमाण का जो प्रामाण्य है उसका आगम ज्ञान उपहनन नहीं करता, प्रत्यक्ष प्रमाण के तात्विक प्रामाण्य का आगम ज्ञान हनन करता है, परंतु वो तात्विक प्रामाण्य उस आगम ज्ञान का उत्पादक नहीं है, क्योंकि वो लौकिक प्रमाण का तात्विकत्व होता ही नहीं, तात्विक आगम है तत्वतः उपलब्ध नहीं है वो। हाँ, स्वतः उपलब्ध नहीं, और साम्यवहारिकतया वो उसका उपजनन कर सकता है। हाँ, साम्यवहारिकतया वो आगम प्रमाण का निष्पत्ति करा देता है, उसकी उसकी उत्पत्ति कर देता है। ये लाइन समझ आई ना, नहीं आगम ज्ञानम साम्यवहारिकम प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यम उपहन्ति, प्रत्यक्षस्य साम्यवहारिकम प्रामाण्यम आगम ज्ञानम न उपहन्ति, येन कारणाभावा न भवेत्, अपितु तात्विकम, अपितु आगम ज्ञानम प्रत्यक्षस्य तात्विकम प्रामाण्यम उपहन्ति। नचतत माने तत् तात्विकम प्रामाण्यम तस्य आगम ज्ञानस्य उत्पादकम भवति। आगे और उसको क्लियर कर रहे हैं, अतात्विक प्रमाण भावेभ्यो साम्यवहारिक प्रमाणेभ्य तत्व ज्ञान उत्पत्ति दर्शनार्थ। अतात्विक प्रमाण भावेभ्य यानी अतात्विकम प्रमाणत्वम येषाम, अतात्विकम प्रमाणत्वम येषाम,
तेभ्यः सांव्यावहारिक प्रमाणेभ्यः, यानी सांव्यावहारिक जो लौकिक प्रमाण है ना, उनका जो प्रमाणत्व है, उसका जो प्रामाण्य है, वो तात्विक नहीं होता। उन लौकिक प्रमाणों से जिनका प्रामाण्य तात्विक नहीं है, ऐसे लौकिक प्रमाण जिनका प्रमाण भाव माने प्रमाणत्व प्रामाण्य, ऐसे सांव्यावहारिक प्रमाण अर्थात लौकिक प्रमाण जिनका प्रामाण्य तात्विक नहीं है, उन लौकिक प्रमाणों से भी तत्व ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है। ये इधर ध्यान से देखना। अतात्विक प्रमाण भाविभ्योपि सांव्यावहारिक प्रमाणेभ्य तत्व ज्ञान उत्पत्ति दर्शनात्। इसी का बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं आगे, नग और नाग दो शब्दों को लेकर के वो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे नग शब्द में नकार उत्पत्ति जो अकार है वो ह्रस्व है, नाग में वो दीर्घ है, तो ह्रस्वत्व और दीर्घत्व जो है इन्हीं के कारण दोनों में भेद है ना जी। और वो जो ह्रस्वत्व दीर्घत्व है वो ध्वनि के धर्म है, वर्णों के धर्म नहीं है। वो वर्णों में ह्रस्वत्व दीर्घत्व आरोपित हो रहे हैं, उन आरोपित धर्मों से अर्थात नग और नाग से अलग अलग ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है ना। नग से नग का मतलब है तरु, नाग का मतलब है हाथी, यानी व्यक्तियों को ज्ञान होता है कि नग से पेड़ का ज्ञान हो रहा है और नाग से हाथी का हो रहा है, तो ये संभ्रांत थोड़ी खाए जाते हैं लौकिक धरातल पर। लोक में कौन कहता है कि वो भ्रांत है। ये उदाहरण दे रहे हैं। तथाच से वो समझा रहे हैं, तथाच वर्णे ह्रस्व दीर्घत्वादयो अन्य धर्मा, अन्य धर्मा माने ध्वनि धर्मा, वर्ण से अन्य धर्म यानी वर्ण के धर्म नहीं है वो, ध्वनि के धर्म। तथाच वर्णे ह्रस्व दीर्घत्वादयो अन्य धर्मापि समारोपितः, वो कहा कुत्र समारोपिता, वर्णे समारोपिता, वर्णे समारोपिता ह्रस्व दीर्घत्वादयो ध्वनि धर्मा समारोपिता संतः तत्व प्रतिपत्ति हेतुवः। वो बिल्कुल वास्तविक ज्ञान, जो ज्ञान सही है, जो ज्ञान अभ्रांत है, उस अभ्रांत ज्ञान की उत्पत्ति के हेतु हैं अन्य धर्म यानी ध्वनि धर्म। तो किसका मतलब है, समारोपित जिनमें है ध्वनि धर्म वर्ण, उन वर्णों से भी जो ज्ञान होता है उसको भ्रांत ज्ञान नहीं माना जाता। उसी को समझा रहे हैं आगे, नहीं लौकिका नाग इति वा नग इति वा पदात् कुंजरम वा तरुम वा प्रतिपद्यमाना भवन्ति भ्रांता, यानी उन वो भ्रांत नहीं गिने जाते, उन लोगों को कोई भ्रांत नहीं कहता कि जो ह्रस्वत्व दीर्घत्व इत्यादि आरोपित धर्मों के कारण इस प्रकार का जो नग से तरु का बोध करता है और नाग से कुंजर माने हाथी का ज्ञान करता है, वो भ्रांत नहीं होते लोग। इसका ये हो गया ना कि तत्व ज्ञान उत्पन्न हुआ, तत्व ज्ञान माने वैलिड नॉलेज, वो कॉग्निशन वैलिड हो गई, ये वाली है। अतात्विक प्रमाण भावेभ्योपि सांव्यावहारिक प्रमाणेभ्य तत्व ज्ञान उत्पत्ति दर्शनात्। यहाँ तत्व ज्ञान का ये मतलब है कि लोक में उन सबको वो कहते हैं भाई ये ठीक है, इनको नख से तरु का ज्ञान हो रहा है, नाक से हाथी का ज्ञान हो रहा है, इसमें कोई भ्रांति की बात नहीं, इतनी बात क्लियर हुई है जी। तो सांव्यावहारिक प्रमाणों से भी तत्व ज्ञान हो सकता है। वो जो कठोपनिषद में कहा अनित्य द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम, हाँ से भी नित्य की। आगे थोड़ा उसी को और बढ़ा रहे अपनी बात को। नच अनन्य परम वाक्यम, वो जो बात आई थी ना कि गौण प्रयोग होता है, उस बात को लेकर के चल रहे हैं आगे, क्योंकि वो जो पूर्व पक्षी है ना, वो जब इस बात को
सिद्धांती उनकी बात को स्वीकार नहीं करेगा तो पूर्व पक्षी कहेगा भी जो अहम का जो प्रयोग है ना, आत्मा तो है ही है, उसका अहम का प्रयोग शरीर में गौण प्रयोग है। यानी वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि आगे चल करके पूरे अध्यास भाष्य में कि पूर्व पक्ष तो इस प्रकार के प्रयोगों को यानी कि अहम इत्यादि का जो शरीर इत्यादि के लिए प्रयोग हो रहा है वो गौण प्रयोग है और सिद्धांती के मत में वो भ्रम है। ये मुख्य बात है पूरे अध्यास भाष्य की। वो गौणता के ऊपर बल डाल रहा है पूर्व पक्ष और सिद्धांती ये इस पर बल डाल रहा है कि वो भ्रांति है, वो भ्रम है। यही बात आगे इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। नच अनन्य परम वाक्यम स्वार्थे उपचरितार्थ युक्तम। वो जो पहले बात आई थी ना कि मेरे अहम अनुभव से उपनिषदों में जो आत्मा का वर्णन है उसमें विरोध है। पूर्व पक्ष अपने अनुभव को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उसके आधार पर वो कहता है क्योंकि उपनिषदों में जो प्रतिपादित आत्मा है वो उसमें नित्यता है, उसमें चैतन्य है, उसमें आनंद है, वो एक रस है इत्यादि इत्यादि, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है इत्यादि इत्यादि, और अहम अनुभव में उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व लग रहा है, अहम अनुभव में उसको दुख इत्यादि की प्रतीति भी हो रही है जो पहले क्लास में आ चुका है। तो क्योंकि उपनिषदों का जो वर्णन है मेरे अनुभव से वो मेल नहीं खाता, इसलिए उपनिषदों के प्रतिपादन को, उपनिषदों को आप उपचरितार्थ मानो। उपचरितार्थ का मतलब उनमें जो भी वर्णन है उनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, अर्थात वो उपचरितार्थ है, गौणार्थक है। यानी आत्मा का जो स्वरूप उपनिषदों में प्रतिपादित हो रहा है वो ठीक नहीं है क्योंकि मेरे अनुभव से वो मेल नहीं खाता, ये वाली बात। सिद्धांति इस बात को ये बताना चाहता है कि उपचरितार्थ नहीं है। क्यों नहीं है इसके लिए वो आर्गुमेंट दे रहा है अपनी। नच अनन्य परम वाक्यम स्वार्थे उपचरितार्थ इति युक्तम। जो वाक्य अनन्य पर माने स्वार्थ से भिन्न अर्थ में जिसका तात्पर्य हो, अनन्य पर अपने से भिन्न अर्थ में जिसका तात्पर्य नहीं है ऐसा वाक्य, यानी अपने ही अर्थ के लिए अपने स्वार्थ में उपचरितार्थ नहीं हो सकता। अब जो उपनिषद हैं, उपनिषद में जो 6 प्रकार के लिंग बताए थे आपको, उपक्रम उपसंहारा है ना, अभ्यासो अपूर्वता फलम इत्यादि, जो षडविध लिंग है, ये षडविध लिंग तात्पर्य को निर्णीत करने में सहायक होते हैं। इन 6 प्रकार के लिंगों से ये सिद्ध हो जाता है कि उपनिषदों का तात्पर्य आत्म तत्व के प्रतिपादन में ही है जो नित्य है, आनंद स्वरूप है इत्यादि। तो इसका मतलब है कि उपनिषदों के वाक्य अनन्य पर है, यानी उनका स्वार्थ में ही तात्पर्य है और स्वार्थ में उनको उपचरितार्थ मानना ठीक नहीं है। उसके लिए मीमांसा का एक उदाहरण दे रहे हैं। उक्तम ही, क्योंकि ये कहा गया है, न विधौ परह शब्दार्थ। विधौ का मतलब है विधायक वाक्य। जो विधायक वाक्य में जो शब्द है ना, वो पर का मतलब है गौण या लक्ष्य नहीं हो सकते। परह मीन्स लक्ष्य गौणों वा। विधायक वाक्य में शब्दार्थ लक्ष्य और गौण नहीं हो सकता। उक्तम ही विधौ न विधौ परह शब्दार्थ। इसी प्रकार उपनिषदों में जो वाक्य हैं जिनका तात्पर्य निश्चित हो चुका है, वो अपने ही अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं, तो उन अपने ही
अपने अर्थों के लिए उनको उपचरितार्थ मानना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि मुख्यतः वह षडविध लिंगों के सहारे से हम ये कह रहे हैं कि उनका तात्पर्य है आत्मा में ही, आत्मा के प्रतिपादन में ही, आत्मा के स्वरूप के प्रतिपादन में ही समन्वित है। ये सारी बातें आएंगी वो चौथे सूत्र में तत्व समन्वय आत्मा। अब आगे ज्येष्ठत्वम च अनपेक्षितस्य बाध्यत्व हेतु। एक तो ये हो गया कि भाई उपनिषदों में जो प्रतिपादन में गौण नहीं है, अब वो ज्येष्ठ की, अब आगम प्रमाण की महत्ता को बताने के लिए आगे वो आर्गुमेंट दे रहे हैं, ज्येष्ठत्वम च अनपेक्षितस्य बाध्यत्वे हेतु। ज्येष्ठत्वम अनपेक्षितस्य, अनपेक्षितस्य के लिए लगा लीजिए इसकी, ये है प्रत्यक्षस्य, ये प्रत्यक्ष का विशेषण है। ज्येष्ठत्वम च अनपेक्षितस्य बाध्यत्वे हेतु, जो अनपेक्षित है प्रत्यक्ष प्रमाण, ये पहले तो वो उसका थोड़ा ये समझाना चाह रहा हूं मैं। प्रत्यक्ष प्रमाण अनपेक्षित किसमें है भाई? जो शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण है वो अनपेक्षित किसमें? आगम प्रमिति के लिए अनपेक्षित है। तो जो जो शब्द प्रत्यक्ष होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, शब्द प्रत्यक्ष हो रहा है मान लो T1 टाइम पर, शब्द प्रत्यक्ष हो रहा है T1 टाइम पर, और शब्द प्रत्यक्ष वो आगम प्रमाण के बाद जो प्रमिति हो रही है वो T2 टाइम पर हो रही है। तो T2 टाइम पर जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो T1 टाइम पर जो शब्द आगम प्रमाण की निष्पत्ति हुई वो उसको काल के दृष्टि से छोटा किसको कहेंगे? काल की दृष्टि से आगम से उत्पन्न प्रमिति छोटी है, क्योंकि वो T2 टाइम पे पैदा हुई है, और शब्द प्रत्यक्ष के बाद आगम प्रमाण की जो निष्पत्ति हुई है वो T1 पर, वो हो गई ज्येष्ठ। समझ आ रहा बात? आगम प्रमाण की निष्पत्ति T1 टाइम पर है, आगम प्रमाण से जो प्रमिति उत्पन्न हुई वो T2 टाइम पर है। तो T2 टाइम वाली प्रमिति छोटी हुई काल की दृष्टि से, और शब्द प्रत्यक्ष से जो आगम प्रमाण की निष्पत्ति हुई वो ज्येष्ठ हुआ। परंतु उस प्रमिति के लिए वो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसकी अपेक्षा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि जो अनपेक्षित का ज्येष्ठत्व है वो उसके बाध्यत्व में हेतु है। अर्थात वो जो ज्येष्ठ प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, वो बाधक नहीं बनेगा। किसका बाधक नहीं बनेगा? कि उपनिषदों में जो कुछ कहा गया उसको वो बाधित कर दे या उसको वो उसका विरोध कर दे। और इसी बात को वो आगे समझा रहे हैं, इससे समझ आ जाएगी बात। जैसे दृष्टांत बड़ा अच्छा दे रहे हैं, ये समझ, ज्येष्ठत्वम च अनपेक्षितस्य बाध्यत्व हेतु न बाधकत्व, इसका जो दृष्टांत दिया जा रहा है आगे बहुत ही बढ़िया है। वो रजत ज्ञानस्य ज्यायस शुक्ति ज्ञानेन कनीयसा बाध दर्शनात्। जब भ्रम से मुझे शुक्तिका में रजत ज्ञान हो रहा है, पहले तो रजत ज्ञान हुआ ना मुझे, भाई मेरे को लग रहा है ये चांदी है और उस चांदी की ओर मैं लपक रहा हूं, और लपक करके जब पास में जा रहा हूं तो वो बहुत समीप से जा करके मैंने देखा भाई ये तो शुक्तिका है। तो शुक्तिका का ज्ञान छोटा हुआ ना टाइम के हिसाब से, और रजत ज्ञान पहले हुआ है तो इसलिए वो बड़ा हुआ।
तो जैसे रजत ज्ञान जो ज्येष्ठ है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात है, आप ये बताओ कि शुक्ति का ज्ञान जो उत्पन्न हुआ उसको क्या रजत ज्ञान की अपेक्षा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आगे नहीं तो आगे वाली बात समझ नहीं आएगी। यानी रजत ज्ञान को, रजत ज्ञान की अपेक्षा नहीं है शुक्ति ज्ञान को उत्पन्न होने के लिए, और ना ही शुक्ति ज्ञान की अपेक्षा थी रजत ज्ञान को उत्पन्न होने के लिए। परस्पर निरपेक्ष है वो, परस्पर निरपेक्ष हैं। तो रजत ज्ञान जो निरपेक्ष है, अनपेक्षित है, जो अनपेक्षित शब्द वो पहले यूज किया उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए, रजत ज्ञान ज्येष्ठ ज्ञान है, और वो बाद वाले शुक्ति का ज्ञान से बाधित होता है। तो जो अनपेक्षित ज्येष्ठ ज्ञान है ना, वो बाध्यत्व में हेतु है। यानी इसका मतलब है रजत ज्ञान बाध्य है, रजत ज्ञान बड़ा होने के कारण बाध्य है, शुक्ति ज्ञान छोटा होने के कारण बाधक है। इसी चीज को वहां उसमें अप्लाई कर लो कि वो जो शब्द प्रत्यक्ष है वो ज्येष्ठ है, और वो प्रमिति के लिए आगम प्रमाण से जो प्रमिति उत्पन्न, उसके लिए उसकी अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो जो शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण से वो छोटा होने के, वो बड़ा होने के कारण बाध्य है आगम ज्ञान से। ये सब ज्येष्ठत्व का जो अर्थ ले रहे हैं ना, वो सीधे सीधे कालिक दृष्टि से ले रहे हैं, कालिक दृष्टि से ले रहे हैं, कालिक दृष्टि से, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली कालिक दृष्टि से ज्येष्ठत्व की बात हो रही है। और क्योंकि उदाहरण भी दे रहे हैं ना, वैसे ही हो, रजत ज्ञान से ज्यायस, रजत ज्ञान का विशेषण है ज्यायस, शुक्ति ज्ञानेन कनीयसा, जो छोटा शुक्ति ज्ञान है उससे उसका बाध होता है। समझ आ रहा है पॉइंट? थोड़ा आगे आगे एक ध्यान से सुनिए उसको। तद अपबाधात्मना तस्य उत्पत्तेर अनुपपत्ते, मैं यहाँ जो रीडिंग है ना कहीं कई पुस्तकों में अनुत्पत्ते है, तो ये अनुपत्ते रीडिंग कर देनी चाहिए। तद अनपबाधने तद अपबाधात्मनः तस्य उत्पत्ते उत्पत्ते रनुपपत्ते, अनुत्पत्ते की बजाय अनुपपत्ते कर लीजिए। तद अनपबाधने, यहां पर तद अनपबाधने में तद से रजत ज्ञान समझिए आप, रजत ज्ञान के बाधित न होने पर अनपबाधने, तद अनपबाधने रजत ज्ञान के बाधित नहीं होने पर, तद अपबाधात्मनः, जिसका स्वरूप रजत ज्ञान का बाध होना है, तद अपबाधात्मनः, इसके लिए मैं कर विशेष लगा रहा हूं शुक्ति ज्ञानस्य तद अनपबाधने तद माने रजत ज्ञान ज्ञानानपबाधने तद अपबाधात्मना, यानी रजत ज्ञानापबाधात्मना तस्य शुक्ति ज्ञानस्य उत्पत्ते अनुपत्ते। यानी रजत ज्ञान का बाध होना ही एक आवश्यक तत्व है शुक्ति ज्ञान की उत्पत्ति में। जब तक रजत ज्ञान का बाध नहीं होगा तब तक शुक्ति ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए कहा है कि रजत ज्ञान का बाध ही स्वरूप है शुक्ति ज्ञान का। यानी शुक्ति ज्ञान तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता है जब तक कि रजत ज्ञान बाधित नहीं हो जाएगा। तदनपबाधने रजत ज्ञान ज्ञानानपबाधने
तद अपबाधात्मन तद माने रजत ज्ञान अपबाधात्मन तस्य शुक्ति ज्ञानस्य उत्पत्तेर अनुपपत्ते, ये जस्टिफाइड नहीं है। उसकी उत्पत्ति यानी कि बिना रजत ज्ञान के बाध किए हुए शुक्ति ज्ञान की उत्पत्ति युक्ति संगत नहीं है। ये समझ आया कि परस्पर अच्छा अपेक्षा नहीं है, वो ही ऊपर वाली बात है, ज्येष्ठत्वम च अनपेक्षितस्य बाध्यत्व हेतु, यहां पर भी हो गया। जो अनपेक्षित है ना रजत ज्ञान, वो ज्येष्ठ है, वो ज्येष्ठत्व जो रजत ज्ञान का है, वो ज्येष्ठ रजत ज्ञान के बाद में हेतु है, रजत ज्ञान बाध्य है, और जो छोटा है वो बाधक हो गया ना शुक्ति ज्ञान। इसी प्रकार वो सर बड़ा बड़ा रुचिकर है ये कि जो हम लोग चर्चा करते आए हैं ना कभी कई बार, कि जो नेदम रजतम है और शुक्ति रियम है, ये दोनों ज्ञानों में पौरवा पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही स्वरूप है, जैसा कि यहाँ पंक्तियों में आ रहा है। दोनों माने उसकी आत्मा है ना, स्वरूप ही वही है, स्वरूप ही वही, एक ही चीज हो। बिल्कुल, तभी वो सेंटेंस जो भ्रांतिकार यूज जो कर रहे हैं ना, थोड़ा लग रहा है उसको तद की जगह वो हम रजत ज्ञान लगा दें और जहां पर तस्य तस्य की जगह शुक्ति ज्ञान लगा दें तो क्लियर हो जाएगी पंक्ति ना। वो रजत ज्ञानान अपबाधने रजत ज्ञान अपबाधात्मन तस्य शुक्ति ज्ञानस्य उत्पत्तेर अनुपत्ते, इस तरीके से ठीक है। तदप बाधात्मा है, इसी नाते ज्येष्ठता जो है वो बाध्यत्व में हेतु है, बताई है उन्होंने। हाँ, क्योंकि वो बाधित होगी, ज्येष्ठ जो बाधित होगा तभी शुक्ति ज्ञान जो है उत्पन्न होगा, तभी उत्पन्न नहीं हो ही नहीं सकता नहीं तो। और इसी बात को वो कुमारिल भट्ट ने बहुत समझा रहे हैं और आगे भी समझा रहे हैं, इसी बात को अभी चल रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट है ना वो है, मतलब सिद्धांती वो ले रहा है अपनी बात को, कि जो आप जो प्रत्यक्ष प्रमाण की जो महत्ता इतनी बखान कर रहे हो और उसके कारण आप आगम में जो प्रतिपादन है उसको चरितार्थ मान रहे हो, उसके विरोध में ये बात कही जा रही है जो आगे चल के बात करेंगे उसकी। तथा च अभी तो इसी की बात हो रही है, पर्व परिय में कौन दुर्बल है और कौन बलवान है। तथा च पारमर्शम सूत्रम, ये जैमिनी महर्षि का ये सूत्र भी है, पर्वा परिये पूर्व दौर्बल्यम प्रकृतिवत, जहां पूर्व अपर में विरोध होता है या एक संग उपस्थित होते हैं, समुच्चय उनका होने लगता है, तो उसमें दोनों में से कौन सा किया जाए उसके लिए ये सिद्धांत है कि पूर्व दौर्बल्यम, पूर्व की दुर्बलता होती है जैसे प्रकृतिवत, प्रकृति याग की तरह। अच्छा, इसमें थोड़ा मीमांसा का ये बातें आ रही हैं, तो वो उसकी बातें हम कर लें, और कृपया जरा कहीं कहीं पर जो बात समझ में नहीं आया तो आप मुझे रोकना। ज्योतिष्टोम याग में ये वेदांत कल्पतरु में दिया हुआ है, जो यज्ञशाला से जब ऋत्विक लोग निकलते हैं ना, तो वो हमें वैसे स्वरूप तो नहीं मालूम, मैं अंदाजा थोड़ा अनुमान लगा रहा हूं कि जब यज्ञशाला से वो निकल रहे हैं तो मान लीजिए कि सबके सबको वो टच करते हुए निकल रहे हैं, सबको स्पर्श है, वो स्पर्श भले ही एक अंगोछा जैसे कंधे पर डाला हुआ तो अंगोछा पकड़ा हुआ दूसरे ने जो पीछे आ रहा है, इस तरीके से सब कनेक्टेड है। आई बात समझिए ना, कि मैं जैसे मैं निकल रहा हूं और मेरे पीछे अंगोछा है तो दूसरा आदमी जो मेरे पीछे आ रहा है वो उसने अंगोछा पकड़ा हुआ है, या वे मेरे कुर्ते के नीचे से हिस्सा पकड़ा हुआ है, या उस समय उत्तरीय और अधोवस्त्र जैसे पहनते थे। तो इस प्रकार से जब ये ऋत्विक लोग निकल रहे हैं, ये लिखा है कि ज्योतिष्टों में अन्योन्यम संबद्ध यज्ञशाला तो निर्गच्छताम ऋत्विजाम विच्छेद निमित्तम प्रायश्चितम, तो वहां पर एक दूसरे को पकड़ना जरूरी है जब वो निकल रहे हैं, और यदि किसी का विच्छेद हो जाता है, मतलब स्पर्श संबंध हट गया, तो उसको प्रायश्चित करना पड़ता है।
और आजकल तो दिखाई देता नहीं ना ऐसा, इसलिए थोड़ा अनुमान से ही लगा रहे हैं हम बात। तो जब वो यज्ञशाला से निकल रहे हैं ऋत्विज लोग, तब कहा है ज्योतिष्टोमे अन्योन्यम संबद्ध यज्ञशाला तो निर्गच्छताम ऋत्विजाम विच्छेद निमित्तम प्रायश्चित्तम शूयते। तो वो है कि जैसे प्रतिहर्ता निकलता है उसके पीछे ब्रह्मा है, प्रतिहर्तारं ब्रह्मानुगच्छति, ब्रह्माणं यजमानो यजमानं प्रशास्ता एटसेट्रा। और ये जो इसमें जो बात आ रही है जिसकी प्रायश्चित की बात है, वो वेदांत कल्प रूप दिया उस पर ही फोकस हम करें। यदि उद्गाता विच्छिन्द्य विच्छिन्द्यात् अदक्षिणेन यजेत, यदि उद्गाता का विच्छेद हो जाता है तो प्रायश्चित के रूप में उसको ऐसा यज्ञ करना है जिसमें किसी दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर वन, यदि उद्गाथा का विच्छेद होता है तो बिना दक्षिणा के यज्ञ करे प्रायश्चित के रूप में। और उद्गाथा के बाद आता है प्रतिहर्ता, प्रतिहर्ता वो उद्गाथा का असिस्टेंट ही है। यदि प्रतिहर्ता विच्छिन्द्यात्, अंडरस्टूड है, पहले से अध्याय कर रहे हैं हम वर्ग का। यद्युद्गाता विच्छिन्द्यात् अदक्षिणेन यजेत, यदि प्रतिहर्ता विच्छिन्द्यात् सर्वस्व दक्षिणेन, वो जब यज्ञ करेगा तो उसमें सारा कुछ अपनी दक्षिणा देनी पड़ेगी। अब जब क्रम से दोनों का यदि विच्छेद हो जाता है तो समस्या ये होती है कि कौन सा यज्ञ करें, बिना दक्षिणा वाला करें कि सर्वस्व दक्षिणा वाला करें। इसी को कहा तत्र उद्गात्री प्रतिहर्त्रो क्रमेण विच्छेदे विरुद्ध प्रायश्चित्तयो समुच्चया संभवात किं पूर्वं कार्यं उत्परमिति, कौन सा करें। तो टेंडेंसी तो ये होगा ना कि बिना दक्षिणा वाला कर दो, क्योंकि खर्चा नहीं लगेगा ना उसमें कुछ। लेकिन अब यहां पर ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीमांसा का ये, कि जब निमित्त है ना, पहला पहला निमित्त ये हो गया कि जब उद्गाता का विच्छेद हो तो उस समय जो नैमित्तिक माने, ये नैमित्तिक माने यज्ञ, यदि उद्गाता का विच्छेद निमित्त है और नैमित्तिक है यज्ञ, तो उद्गाता के विच्छेद के कारण जो नैमित्तिक यज्ञ है वो पूर्व नैमित्तिक जो है वो किया जाए या उत्तर नैमित्तिक किया जाए, यानी वो जो सारा दक्षिणा देने दे करके जो यज्ञ किया वो किया जाए। तो उसमें ये बताया गया है कि जो पूर्व है ना, पूर्व तो जब पर पैदा ही नहीं हुआ था तब पूर्व उत्पन्न हो गया था, तो उस पूर्व को कहते हैं अनुपसंजात विरोधी। अनुपसंजात विरोधी पूर्व का, पूर्व निमित्त जब उपस्थित हुआ था उस समय पर निमित्त की तो उत्पत्ति नहीं हुई थी, विरोधी नहीं है उसका, पूर्व जो है अनुपसंजात विरोधी है। पूर्व के उदय काल में उत्तर की प्राप्ति नहीं थी, जब पूर्व के उत्तर काल में उत्तर की प्राप्ति नहीं थी तो पूर्व के द्वारा उत्तर बाधित थोड़ी हो सकता है। तो उसके लिए मीमांसा में पूर्वम परम अजातत्वात् अबाधित्व जायते, और पर जो है बिना, पर जो उत्पन्न हो रहा है बिना पूर्व के बाधा किए बाध किए उत्पन्न होगा नहीं वो। तो मीमांसा दर्शन में ये निश्चित हुआ कि जो पूर्व है वो दुर्बल होता है और उत्तर है वो बलवान। वही वाली बात आ गई यहाँ पर, वो जो जो ज्येष्ठत्व और कनियस्तु की, लेकिन ये दूसरे ढंग से हुई। पर्वा पर ये पूर्व दौर्बल्यम प्रकृतिवत, और प्रकृतिवत कैसे, अब यहां तो ये हो गया कि जो प्रतिहर्ता का जो विच्छेद हुआ है उससे ऐसा यज्ञ करना पड़ेगा यहाँ पर प्रायश्चित के रूप में जिसमें सर्वस्व दक्षिणा दी जाए। पैसा खर्च होगा ही, हाँ, इसमें खूब पैसा खर्च होगा। तो वो टेंडेंसी दी है कि पहला ही कर लो जिसमें कोई दक्षिणा नहीं लग रही हो, उसके ये लिए प्रतिहर्ता है कौन? है प्रतिहर्ता का क्या अर्थ हुआ?
समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहे हो, कौन कह रहा है, उद्गात क्या है, हैं? उद्गाता का अर्थ तो स्पष्ट है। हाँ 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 प्रतिहर्ता भी जो है ना, प्रतिहर्ता का स्पष्ट नहीं है। क्या नहीं है स्पष्ट? वो जो चार की एक, चार का एक होता है ना, एक में जो उद्गात्री गण में पहला उद्गाता है, दूसरा प्रतिहर्ता है, ऐसे दो और हैं, वो चार इकट्ठे ही होते हैं, नाम तो हमें ध्यान नहीं है ना अब सारे। तो प्रतिहर्ता एक एक टाइप का वो उसका उद्गाता का ही उद्गात्री गण में गिना जाता है उसको। इसके जैसे मीनिंग देखने हैं, उद्गाता जैसे उद्गाता जो साम गान का गाने वाला हो, गाने वाला होता है ना जो यज्ञ इत्यादि में, ये चार जो ऋत्विक होते हैं ना, इसमें उद्गात्री गण में प्रतिहर्ता एक दूसरा है। सर ये आया हुआ है ब्रह्मसूत्र भाष्य में, आगे भी मुझे ध्यान आ रहा है, उसको कहते हैं कि सामवेद की ना अलग अलग भक्तियां होती है, भक्तियों में अलग अलग उसके असिस्टेंट जो है ना वो काम करते हैं अलग अलग भक्ति। हाँ, उसमें इनके नाम आए हुए हैं। हाँ उनमें वो नाम ही है, लेकिन उतनी हमें मीमांसा की ज्ञान नहीं है ना। तो उद्गात्री गण में एक एक ऋत्विक है ये प्रतिहर्ता, वो उद्गाता के पीछे पीछे चलेगा, इसलिए उस सेकंड नंबर पर वो है। जब उद्गाता का अपने पहले वाले से विच्छेद हो जाएगा तो ये यज्ञ करना, और प्रतिहर्ता का विच्छेद हो तो यज्ञ करना। इस पे इसमें इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि प्रतिहर्ता क्या होता है, इम्पोर्टेंट इस बात की है कि पूर्व जो निमित्त है, पूर्व नैमित्तिक दुर्बल है और उत्तर नैमित्तिक प्रबल है। और ये तो मैंने आपको वैसे दे दिया क्योंकि वेदांत कल पेरू में आ गया, लेकिन जो दृष्टांत दे रहे हैं वो और दूसरे ढंग से दे रहे हैं। वो जो है ना प्रकृतिवत, ये प्रकृतिवत क्या है, प्रकृति याग में जो सारे अंग इत्यादि विहित होते हैं, तो जो विकृति याग होता है उस विकृति याग में जिन जिन अंगों की अपेक्षा होती है वो प्रकृति याग से अतिदिष्ट हो जाते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि प्रकृति जैसे जिसका ये दृष्टांत दे रहे हैं कि प्रकृति याग में कुशास्तरण का विधान किया हुआ है, प्रकृति याग में कुशास्तरण का विधान किया हुआ है, और जो विकृति याग में उसमें शर्मय आस्तरण का विधान किया हुआ है। तो यहां पर अब ये देखना है कि जो हम कुशास्तरण का अतिदेश उसमें करें या ना करें। यथा ही प्रकृतौ क्लृप्तोपकारा कुशः प्रथम अतिदेशेन विकृतौ उपकार आकांक्षिण्यां प्राप्ता कल्प्योपकारतया चरम भाविभिः शरैः निक्षेपैः बाध्यन्ते तद्वदिदम्। अब प्रकृति याग में जो कुशास्तरण का विधान किया हुआ है, और जब आस्तरण की बात आती है तो वह कुशास्तरण को ही अतिदेश, कुशास्तरण का ही अतिदेश करें, या जो विकृति याग के लिए एक नया विधान है शर्मय आस्तरण, उसका उस शर्मय आस्तरण को बनाएं। तो अब ये देखो यहां पर जो कुशास्तरण है वो प्रकृति याग में वो सावकाश है, कुशास्तरण प्रकृति याग में सावकाश है, परंतु शरास्तरण विकृति याग में यदि हम उसको नहीं करेंगे तो वो निरवकाश हो जाएगा, और है वो पूर्व क्या है कुशास्तरण, और विकृति याग के अंदर शरास्तरण का विधान किया हुआ है। तो यहां पर जो बाद में शरास्तरण का विधान किया हुआ है, प्रकृति याग में जो कुशास्तरण का विधान है उसको बाध कर ले, ये कहा पौर्वा पर ये पूर्व दौर्बल्यम प्रकृतिवत। पूर्व और पर में जो पूर्व दुर्बल होता है, जैसे प्रकृति याग में कुशास्तरण दुर्बल हो गया, शरास्तरण प्रबल हो गया, तो शरास्तरण से कुशास्तरण का बाध हो गया।
तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इस बात की है कि पूर्व से पर का, पूर्व का पर से बाद हो रहा है। सर प्रकृति याग में तो जो प्रकृति याग तो विकृति याग से प्रबल होता है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य ऐसा जब मीमांसा में ये तो कहा है ना कि प्रकृतिवत विकृति, हाँ प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, हाँ ठीक है। तो बोलो। हाँ नहीं मैं कह रहा था सर प्रकृति याग में तो वो विकृति याग की अपेक्षा प्रकृति याग प्रबल होता है, तो आप कह रहे थे ना कि बाद का प्रबल होता है। सोमवीर है क्या? जी जी गुरु जी। अच्छा ठीक है बोल। हाँ तो प्रकृति याग तो होता ही है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है ना जो अंग है ना वो एक नए अंग का विधान कर दिया विकृति याग में। अब यदि उस वो विधान यदि आप नहीं करोगे तो निरवकाश हो जाएगा। अच्छा और सावकाश और निरवकाश में निरवकाश बलवान होता है, ये है ना व्याकरण में नियम। सर बहुत स्पष्ट नियम वहां पर है और मैंने ध्यान से देखा भी है उसको। वो कहते हैं ना कि जहाँ सकलांग सहित हो उसको प्रकृति कहते हैं और जहाँ सकलांग रहित उसको विकृति कहते हैं। हाँ। तो जहां पर जो जो अंग नहीं है वहां पर प्रकृति याग से उहा करनी चाहिए, जहां पर वो अंग दिए वहां उहा करने की जरूरत ही नहीं, वहां तो स्पष्ट रूप से दिए ये करना। नहीं नहीं ऐसा है कि यदि ऐसे अंग दिए हों जो प्रकृति याग में नहीं है और कुछ और विधान किया हुआ है तो वो हो जाएगा। यहाँ तो सीधी सीधी बात यह कि आस्तरण जो है ना चाहे तो देवताओं के लिए हो या हव्य रखने के लिए हुए कि भाई प्रकृति याग में तो कुशा से बनाया गया आस्तरण और जिस विकृति याग में वहां पर शर से शर माने सरकंडों से बनाया जा रहा है तो अब वो कुश से बनाया या सरकंडों से बनाया तो ये हो गया ना क्लैश। और यदि जो सरकंडों से बनाने का विधान किया हुआ सरकंडों से वो हम बिछौना नहीं बनाएंगे तो वो निरवकाश हो जाएगा। बिल्कुल और निरवकाश हो जाएगा तो बलवान है ना। यहाँ पर वो भी है कि पूर्व से पर बलवान है इसलिए यहाँ पर शर में आस्तरण होना चाहिए। अच्छा ये जो आर्गुमेंट दी जा रही है ना ये मतलब केवल आर्गुमेंट है लेकिन सारा बात तो आगे चल करके इम्पोर्टेंस इस बात की है कि जो वो जो पूर्व पक्ष को जो अहम अनुभव हो रहा है ना जिसको लेकर के वो बात कर रहा है और आगम प्रमाण को ये कह रहा है कि उनको उपचरितार्थ गौणार्थक मान लो उस पर फोकस करो ना। आगे आगे चल करके और बातें आ रही हैं इस बात को ध्यान में रखो क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म आत्मा और हमारा जो एक पूरा आत्मस्वरूप के जानने के लिए सूरा ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य है वो जो इसका एक समम बोनम है आत्मज्ञान इत्यादि अपने स्वरूप को सही ढंग से पहचानना ये जो अल्टीमेट मोटिव है पर्पज है उसकी तरफ ध्यान रखना है उसी को ध्यान में रख करके बात हो रही है। अभी तो ये जो पॉइंट हम कर रहे हैं ना इसमें एक पॉइंट और है फिर आगे चलेंगे कुमार भट्ट का है तथा पूर्वात पर बलियस्तम तत्र नाम प्रतीयताम अन्योन्य निरपेक्षाणाम यत्र जन्म धियाम भवेत। यानी पूर्व से पर बलवान होता है वहां पूर्व से पर वहां तो बलवान होता ही है जहां अन्य निरपेक्षाणाम धियाम जन्म भवेत जहां परस्पर निरपेक्ष ज्ञानों का जन्म होता है जहां परस्पर निरपेक्ष ये उदाहरण उसके लिए रजत ज्ञान और शुक्ति ज्ञान में इसको हटा लो आप। रजत ज्ञान और शुक्ति ज्ञान परस्पर निरपेक्ष हैं तो यहां पर जो रजत ज्ञान है वो पूर्व है और शुक्ति ज्ञान पर है तो उस पूर्व शुक्ति ज्ञान का पर रजत पूर्व रजत ज्ञान का शुक्ति ज्ञान से बाद हो जाएगा। ये मात्र इसी के लिए ये बात समझ आई। तथा पूर्वात पर बलिस्तम तत्र नाम प्रतीयताम वहां पर पूर्व से पर के बलवत्ता तो प्रतीत होती ही है यत्र अन्योन्य निरपेक्षाणाम धियाम जन्म भवेत जहां
परस्पर निरपेक्ष ज्ञानों का जन्म होता है। और इस दृष्टांत के लिए आप सुप्ति ज्ञान और रजत ज्ञान को समझ लीजिए। अब आगे चल रहे हैं, अपिच येपि अहंकार आस्पदम आत्मानम आस्थिषत तैरप्यस्य न तात्विकत्वम अभ्युपेतव्यम। अब वो आ रहा है ना, सिद्धांत कह रहा है जो आत्मा को अहंकार आस्पद यानी अहंकार का आलंबन मानता है, जो आत्मा को, जिन्होंने अहंकार का आलंबन आत्मा को माना, जिनकी आस्था आस्थि शत, जिन्होंने ये माना कि अहंकार आस्पद है आत्मा, यानी जो मेरा अहम है ना वही आत्मा है। और इस पर बड़े लोगों को भ्रम हो जाता है कि भाई मैं ही हूं जो कुछ, मैं ही आत्मा हूं, बिना स्वरूप जाने। वो कहते हैं कि नहीं, इसको भी जो अहंकार का आस्पद आत्मा को मानते हैं, तैरपि अस्य न तात्विकत्वम अभ्युपेतव्यम, इस अनुभव को या इस सिद्धांत को या इस स्थिति को तात्विक नहीं मानना चाहिए। यानी ये ये मतलब आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये प्यहंकारास्पदम आत्मानम आस्थिषत तैरपि अस्य न तात्विकत्वम अभ्युपेतव्यम। अब इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं, क्यों नहीं मानना चाहिए। अहम इहैव अस्मि सदने जानान, मैं इस घर में जानाने का मतलब ज्ञान प्राप्त करते हुए, यानी कि नोइंग समथिंग एल्स, किसी चीज का ज्ञान है उसको जानते हुए मैं इस घर में बैठा हूं। अहम इहैव सदने जानान, मैं इहैव अस्मि सदने जानान। तो वो कहते हैं तात्विक क्यों नहीं मानना चाहिए। इति सर्वव्यापी न प्रादेशिकत्वेन ग्रहात, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी है और आप ये कह रहे हो कि मैं इस घर में हूं, तो इसका मतलब आप तो, आप में देश परिच्छिन्नता है, आप अपने आप को देश परिच्छिन्न मान रहे हो जबकि आत्मा सर्वव्यापी है। हेतु दे रहे हैं ना, सर्वव्यापी न आत्मन प्रादेशिकत्वेन ग्रहात, है ना, अहंकार आस्पदस्य आत्मन तात्विकत्वम न अभ्युपेतव्यम, क्योंकि तुम उसको देश परिच्छिन्न मान रहे हो, इसलिए अहंकार आस्पद आत्मा को तात्विक मत समझो। तो वो तो एक उन्होंने सिद्धांती ने हेतु दे दिया, क्योंकि सर्वव्यापी आत्मा को आप देश परिच्छिन्न मान रहे हो इसलिए उसको तात्विक मत मानो। और वो पूर्व पक्षी की का दृष्टांत यह है, उच्चतर गिरिशिखर वर्तिषु महातरुषु भूमिष्ठस्य दूर्वा प्रवाल निर्भास प्रत्यवर। बहुत ऊंचे ऊंचे गिरिशिखरों में वर्तमान बड़े बड़े पेड़ भूमिष्ठ व्यक्ति को दूर्वा प्रवाल निर्भास प्रत्यवत, उनको ऐसे लगते हैं वो कि जैसे दो घास के तिनके, दूर्वा माने घास, ब्लेड्स ऑफ ग्रास, दूर्वा प्रवाल जो घास के छोटे छोटे तिनकों के निर्भास का मतलब उसको प्रकट करने वाले प्रत्यय की तरह। तो जैसे बड़े बड़े पेड़ भूमि में स्थित व्यक्ति को बिल्कुल घास के तिनकों की तरह लग रहे हैं, इस तरीके से जो तुम समझते हो, उसी प्रकार सर्वव्यापी आत्मा भी यहाँ पर देश परिच्छिन्न है, इस प्रकार से मान रहे हो, बल्कि आत्मा आपकी सर्वव्यापी है। तो ये जो दृष्टांत देकर के कह रहा ना कि जैसे बड़े बड़े महातरु घास के तिनके की तरह लग रहे हैं, इसी प्रकार सर्वव्यापी आत्मा भी देश परिच्छिन्न है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। फिर वो पूर्व पक्षी कहता है, न च इदम देहस्य प्रादेशिकत्वम अनुभूयते न तु आत्मनेति साम्प्रतम,
एकदम देहस्य प्रादेशिकत्व अनुभूयते, तो पूर्व पक्षी कहता है तो देह का प्रादेशिकत्व आत्मा का थोड़ा ही है, न तो आत्मा नहीं थी सांप्रतम, ये बात ठीक नहीं है। यानी देह का प्रादेशिकत्व मान करके जो तुम कह रहे हो कि अहम यह सदने जाना ना, मैं यहां इस घर में बैठा हुआ हूं, देह के देह को देश देह तो देश परिचिन्न है, इसलिए आत्मा भी आत्मा के लिए वैसा प्रयोग कर रहा हूं मैं, ये देश परिचिन्नता आत्मा की नहीं है, ये देह की है। तो फिर वो सिद्धांती पूछेगा तो अहम का प्रयोग किसके लिए किया, अहम का प्रयोग किसके लिए किया, तो पूर्व पक्षी कहता है अहम का प्रयोग तो मैंने भैया किया है देह के लिए। यदि अहम का नहीं तद एवं भवती, यदि तूने देह के लिए प्रयोग किया है तो अहम कैसे होगा, अहम का प्रयोग नहीं हो सकता ना, फिर अहम का प्रयोग नहीं हो सकता यदि तू देह के प्रादेशिकत्व को लेकर के ऐसी बात कह रहा है। और फिर वो कहता नहीं मैं ये अहम का जो प्रयोग है ना देह में, ये गौण प्रयोग, ये अहम का देह में प्रयोग गौण प्रयोग है। अच्छा गौण प्रयोग है तो वो सिद्धांती कहता है तो फिर ये जानाने नहीं हो सकता, तो ज्ञातृत्व कैसे आ जाएगा उसमें। उपचरित आत्मभावस्य देहस्य, ऐसे देह जिसमें आत्मा उपचरित, आत्मा का जैसे औपचारिक जो प्रयोग हो रहा है आत्मा अहम का देह के लिए, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं जानते हुए इस घर में बैठा हूं, देह में तो ज्ञातृत्व नहीं होता। अब यहां पर थोड़ी सी बात यह है कि जो ज्ञातृत्व है वो देह में नहीं हो सकता, और वो कह रहा गौण प्रयोग है। तो यहाँ पर एक जो ऋजु प्रकाशिका के अंदर ये समझाया गया है कि जैसे जब हम अग्निर्माणवक में गौण प्रयोग करते हैं अग्नि का, तो वहां पर उस गौण प्रयोग में अग्नि का गौण प्रयोग करने पर भी दग्धृत्व का उल्लेख नहीं होता। ऋजु प्रकाशी ने बताया है कि जैसे हम अग्नि का गौण प्रयोग कर रहे हैं तो अग्नि में दग्धृत्व होता है, लेकिन माणवक में दग्धृत्व का उल्लेख नहीं होता। इसी प्रकार यहां पर भी अहम का गौण प्रयोग हम देह के लिए कर रहे हैं गुरु पक्षी की तरफ से, तो यहां ज्ञातृत्व का उल्लेख नहीं होता। तो ये सिद्धांती ने कहा कि भाई ज्ञातृत्व तो उपचरित नहीं हो सकता, इसलिए आपका आपका जो ये मानना है कि आत्मा अहंकार का आस्पद है, ये जो मेरे को अहम अनुभव हो रहा है यही आत्मा है, ये तात्विक अनुभव नहीं है, ये उस बात को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अपिच ये भी अहंकारास्पदम आत्मानम आस्तिशत तैरपि अस्य न तात्विकत्वम अभ्युपेतव्यम। अपिच ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, अपिच परशब्द परत्र लक्ष्मण गुणयोगेन वर्तते। परशब्द का मतलब है दूसरे का ज्ञान कराने वाला शब्द, पर प्रत्याय का शब्द, परत्र माने दूसरी जगह अन्यत्र। हम यहां पर ये कह सकते हैं कि सिंह शब्द का माणवक में प्रयोग, लक्ष्मण गुण योगेन माने उसमें हम शूरत्व क्रूरत्व इत्यादि जो गुण देख रहे हैं उसके कारण हम सिंह शब्द का गौण प्रयोग माणवक में कर रहे हैं। लेकिन जो प्रयोग कर रहा है और जिसके लिए जिसके सामने प्रयोग कर रहा है, प्रयोक्त्री प्रतिपत्रो, वो प्रयोग करने वाले को और जिसको ज्ञान हो रहा है उन दोनों का भेद मालूम है। किसका भेद मालूम है? सिंह का भी भेद मालूम है, सिंह माणवक से भिन्न है, माणवक सिंह से भिन्न है, ये भेद मालूम है। अपिच परशब्द, परशब्द को यहां ले लो सिंह शब्द, परत्र माने इसको ले लो माणवक,
मानवक में लक्ष्मण गुण योगेन, जो लक्ष्मण है गुण वो सूरत सूरत्व क्रूरत्व इत्यादि उनके संबंध से हम सिंह शब्द को मानवक में गौण रूप से प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें प्रयोक्तरी प्रतिपत्रों उन दोनों को ये ज्ञान भी है कि इन दोनों में भेद है, दोनों को ज्ञान है। और वो जो सिंह शब्द है वो गौण है मानवक में, स गौण। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सच भेद प्रत्यय पुरस्सर, जहां पर भी गौण प्रयोग होगा वहां पर भेद अवश्य हो, भेदक ज्ञान होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यत्र यत्र गौण प्रयोग तत्र तत्र भेदक ग्रह, भेदक ग्रह व्यापक है और गौणत्व व्याप्य है। यदि भेद का ज्ञान नहीं होगा तो गौण का गौण प्रयोग भी नहीं होगा। ये इस पर वो फोकस कर रहा है सिद्धांती। ये जो है पीछे पर शब्द परत्र लक्ष्मण गुण योगेन वर्तते इति यत्र प्रयोक्त्री प्रतिपत्रो संप्रतिपत्ति, उन दोनों का जो आपस में ये समझ है कि हाँ वो भी वो जो प्रयोग कर रहा है उसको भी ये ज्ञान है और जानने वाले को भी है, उन दोनों की आपस में ये सहमति यहाँ पे गौण प्रयोग यहाँ हो सकता है। उन दोनों को इस प्रकार गौण प्रयोग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। स गौण सच भेद प्रत्यय पुरस्सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पर भी गौण प्रयोग हुआ वो भेद ज्ञान के बाद ही होता है, यानी भेद ज्ञान जहां होगा वहीं गौण प्रयोग, या ऐसा या जहां गौण प्रयोग है वहां भेद ज्ञान, क्योंकि व्यापक भेद ज्ञान है ना, तो इसलिए पहले हम कहेंगे जहां गौण प्रयोग है वहां भेद ज्ञान। अच्छा, एक और दृष्टांत अब दे रहे, मीमांसा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना ही चाहिए। तद यथा नैयमिक अग्निहोत्र वचनो अग्निहोत्र शब्द, नैयमिक अग्निहोत्र शब्द का मतलब है नित्य अग्निहोत्र। नैयमिक अग्निहोत्र अर्थ है जिसका वचन माने अर्थ, नैयमिक नित्य अग्निहोत्र अर्थ है जिसका ऐसा अग्निहोत्र शब्द, वो प्रकरणांतरावधृत भेदे कौंडपायी नाम अयन गते कर्मणि मासम अग्निहोत्रम जुहोति साध्य सादृश्येन गौण। एक कौंडपायी नाम अयन माने कौंडपायी ऋषियों के का एक सत्र होता है, वो सत्र एक साल तक चलता है और उसमें एक महीने के लिए मासम अग्निहोत्रम ज्योति से का मतलब एक महीने तक अग्निहोत्र हवन करे, और फिर दूसरे महीने में आया है कि दर्श पूर्णमासाभ्याम जुब्वती, वहां पर दर्श पूर्ण मास एक महीने के लिए करे। तो इस प्रकार से 12 महीनों में 12 प्रकार के वहां पर होम इत्यादि का विधान है सत्र में, और सत्र एक साल तक वो चलता है। तो ये जो अग्निहोत्र यहाँ पर अग्निहोत्रम ज्योति कौंडपायी नाम सत्र में जो अग्निहोत्रम ज्योति से अग्निहोत्र का विधान किया जा रहा है, ये क्या नित्य अग्निहोत्र है? उसको ये कह रहे हैं कि प्रकरणांतर अवधारित भेदे, क्योंकि दूसरे प्रकरण में विहित होने के कारण जो नित्य अग्निहोत्र से इसका भेद सुनिश्चित हो रहा है। प्रकरणांतर आवधृत भेदे कौंडपायी नाम अयन गते कर्मणि मासम अग्निहोत्रम जुहोति, क्योंकि दोनों का भेद है, नित्य अग्निहोत्र से इस अग्निहोत्र का जो कौंडपायी ऋषियों के सत्र में विधान जिसका किया जा रहा है, यद्यपि शब्द एक जैसे हैं परंतु यहां पर ये जो अग्निहोत्र शब्द है, क्योंकि इन दोनों अग्निहोत्रों का नित्य अग्निहोत्र, नित्य अग्निहोत्र तो नित्य ही होता है, उसमें ये थोड़ी एक महीने के लिए होगा, वो
एक महीने के लिए जो अग्निहोत्र हो रहा है वो नित्य अग्निहोत्र से भिन्न है। तो यहां पर ये जो अग्निहोत्र शब्द कौंड पाइनाम अयने सत्र में विधान जिसका किया जा रहा है, यहां पर अग्निहोत्र शब्द का गौण प्रयोग है ये बताने के लिए वो कह रहे हैं। साध्य सादृश्येन गौण, साध्य माने अग्निहोत्र। अच्छा, जो अग्निहोत्र यहाँ किया जाएगा उसमें जो अतिदेश होगा यानी कि नित्य अग्निहोत्र के अंदर जिस प्रकार से अग्निहोत्र किया जा रहा है वैसे ही उसको करना है, इसलिए कहा साध्य सादृश्येन गौण है। साध्य माने यहाँ अग्निहोत्र और उन दोनों में सादृश्य है और सादृश्य होने के कारण यहाँ पर इनका गौण प्रयोग है। इसी जैसे सादृश्य होता है माणवक और सिंह में सादृश्य है उसके क्रूरता इत्यादि को लेकर के, तो यहाँ पर सिंह शब्द उसी के लिए कह रहे हैं माणवक के चे अनुभव सिद्ध भेद सिंहाद सिंह शब्द, माणवक में और सिंह अनुभव से ये भेद सिद्ध हो रहा है सिंह से, इसलिए सिंह शब्द वहां माणवक में गौण प्रयोग है। तो ये सिर्फ केवल इसलिए इसको बताने के लिए है कि जहां पर भेद प्रत्यय है जहां पर भेद ज्ञान है वहीं पर गौण प्रयोग हो सकता है, ये पॉइंट हो गया ना क्लियर। अब वो जो पूर्व पक्षी कह रहा है कि मैं इस अहम शब्द को गौण मान लीजिए, उस बात की आलोचना करने के लिए ये सारा प्रसंग उपस्थित किया गया है। वो सिद्धांती ये कहता है आप अहम शब्द का गौण प्रयोग कैसे कर सकते हो, आप अहम शब्द का गौण प्रयोग तभी हो सकता है जबकि अहम का आपको अर्थ अच्छी तरह पता हो। अरे शरीर का तो आपको ज्ञान है लेकिन अहम का वास्तविक स्वरूप तो आप जानते नहीं। यदि आपको अहम का वास्तविक स्वरूप पता ही नहीं है तो आपको भेद ज्ञान ही नहीं है, और यदि भेद ज्ञान ही नहीं है तो वो गौण प्रयोग भी उसकी निवृत्ति हो जाएगी, गौण प्रयोग हो ही नहीं सकता। इस पॉइंट को लेकर के सिद्धांती अब प्रतिपादन कर रहा है। नतु अहंकारस्य मुख्यो अर्थो निर्लुठित गर्भतया देहादिभ्यो भिन्नो अनुभूयते येन पर शब्द का मतलब यानी अहम शब्द शरीर आदौ गौणो भवेत। इससे यानी जैसे हमको अग्निहोत्र जो नित्य अग्निहोत्र से कौंडपाई नाम सत्र में जो अग्निहोत्र विधान का भेद पता है और ये प्रकरणांतर अधिकरण में मीमांसा में इसका निश्चय हो चुका है। एक है प्रकरणांतर अधिकरण, उसमें नित्य अग्निहोत्र का और कौंडपाई नाम अयन में विहित अग्निहोत्र का भेद बताया गया है। तो वहां भेद है तो इसलिए कौंडपाई नाम अयन में जो अग्निहोत्र शब्द है वो गौण प्रयोग है। और ठीक उसी को लेकर के फिर कहते हैं माणवके च अनुभव सिद्ध भेद सिंघात सिंह शब्द, माणवक का सिंह से भेद है इसलिए सिंह का हम माणवक में गौण प्रयोग कर सकते हैं। परंतु न तो अहंकार से मुख्य अर्थो निर्लुठित गर्भतया देहादिभ्यो भिन्नो अनुभूयते येन पर शब्द येन अहम शब्द शरीरादौ गौणो भवेत। निर्लुठित गर्भतया का मतलब है जिसका असाधारण स्वरूप अच्छी तरह से प्रकाशित हो गया हो, ये कल्पतरु में इसको समझाया निष्कृष्य लुठित प्रतिभासितो हो गर्भो माने असाधारण आकारो हो यस्य स निष्कृष्य लुठित लुठित करके प्रतिभासित प्रकाशित अच्छी तरह से प्रकाशित हो गया है जिसका असाधारण स्वरूप। तो अहम जो है वो निर्लुठित गर्भतया अभी नहीं जाना गया, न तो अहंकारस्य मुख्य अर्थो अहम जो जिसको आत्मा अहम आत्मा ही मान करके, यदि अहम को आप आत्मा मान रहे हो तो आपको उस अहम का जो मुख्य अर्थ है यानी कि आत्मा का जो स्वरूप है वो अभी तक नहीं पता लगा है, आपने उसको अच्छी तरह नहीं जाना है। जब तक आप इसी क्योंकि आपने उसको अच्छी तरह नहीं जाना है तो देह से आपको उसका भेद कैसे ज्ञान होगा।
अरे हमका पता होगा अच्छा तभी तो ज्ञान होगा, जैसे अग्निहोत्र का पता है, नित्य अग्निहोत्र ये उसका स्वरूप पता है, और जो कौंडपाई नाम एन में कार्य जा रहा है उसका भी स्वरूप हमको मालूम है, दोनों का भेद मालूम है, तो गौण प्रयोग हो गया वहां। माणवक और सिंह का भी ऐसे में पता है कि माणवक ये है और ये सिंह, माणवक का सिंह से भेद हमको मालूम है, तो हमने सिंह का माणवक में गौण प्रयोग कर दिया। परंतु वैसा अहम और देह का तो नहीं है ना, अहम का निर्लोठित गर्भतया ज्ञान आपको नहीं है, न तो अहंकार से मुख्य अर्थो निर्लुठित गर्भतया देहादिभ्यो भिन्नो अनुभूयते येन पर शब्द शरीरादौ गौणो भवेत भवेत। अच्छा पूर्व पक्षी को जब कॉर्नर कर दिया गया तो वो और अपना एक और एक आर्गुमेंट दे रहा है, वो आगे नच अत्यंत निरूढ़तया गौणेपि न गौणत्वाभिमान सार्षपादिषु तैल शब्दवत इति वेदितव्यम्। और ये भी मत मानो कि वो अत्यंत निरूढ़ होने के कारण गौण शब्द भी उसमें गौणत्वाभिमान ना हो, ऐसा भी नहीं है। आप हमको ऐसा प्रयोग कर रहे हो उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे तिल से जब तेल निकलता है तो उसको तैल कहते हैं, ओके। और जो सरसों इत्यादि से जो स्नेह या जो भी रस उसका निकलता है उसको भी तेल कह देते हैं, ठीक है ना। तो हमें मालूम है कि तिल से ये निकला हुआ है और ये सरसों से निकला हुआ है, फिर भी इनका उस तैल शब्द का इतना ज्यादा प्रयोग हो चुका है निरूढ़, जिसे निरूढ़ लक्षण कहते हैं। तो दो प्रकार का गौणत्व होता है, ये जो पिछली क्लास में भी मैं पूछ रहा था बलराम, दो प्रकार का गौणत्व होता है, एक तो निरूढ़ गौणत्व और एक सांप्रतिक गौणत्व। निरूढ़ गौणत्व तो ये आ रहा है जैसे तिल का तेल इत्यादि की बात कर रही है, बात की जा रही है, तत्रापि स्नेहात तिलभवात भेदे सिद्ध एव सार्षपादीनाम तैल शब्द वाच्यत्वाभिमान। वो तैल शब्द का यानी तत्रापि स्नेहात तिलभवात, तिल से होने वाले स्नेह से सरसप से होने वाले स्नेह का भेद सिद्ध होने पर भी, फिर जो तैल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सरसों के तेल के लिए, तो वो ऐसा नहीं लगता, वो तो ऐसा लगता है कि वो लाक्षणिक सा प्रयोग नहीं लगता, वो ऐसा लगता है कि वो उसका वाच्य ही है, तैल शब्द वाच्यत्वाभिमान, वाच्य जैसा लगता है, यानी सरसों का तेल उस तेल उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो ऐसा लगता है जो सारसप स्नेह है उसके लिए तैल वाचक जैसा लगता है, क्योंकि उसका प्रयोग बहुत ज्यादा हो चुका है। परंतु गौण प्रयोग तो वो है, क्योंकि यद्यपि वो सरसों का तेल के लिए जो तेल शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, सरसों के स्नेह के लिए जो तेल शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो भले ही वाचक जैसा लगता हो लेकिन उनमें भेद तो है, न तो है ना वाच्यत्वाभिमानो न तो अर्थयो तैल सार्षपयो, लेकिन जो दो अर्थ है, अर्थ का मतलब तिल का तेल और सरसों का तेल, उनमें अभेद का निश्चय थोड़ी होता है, हम ये थोड़ी कह देंगे दोनों अभिन्न है, भेद का ज्ञान हमें होता है, गौणत्व प्रयोग है, यानी ये हो गया आपका निरूढ़ गौणत्व। तो दूसरा कहता है कि भाई वो दूसरा अर्थ नहीं दिया इसमें, दूसरा तो आपका ये सिंह और माणवक का ही ले सकते हो आप, सिंह और माणवक का जो गौणत्व वो क्या है, वो सांप्रतिक गौणत्व है, सिंह और माणवक में सिंह का जो गौण प्रयोग है वो सांप्रतिक है, और सरसों और तिल के तेल में जो तैल शब्द का गौण प्रयोग है वो निरूढ़ गौण। सर मैं एक मिनट टोक रहा हूँ सर, हाँ। ये सांप्रतिक को कुछ जगह मैंने देखा चेक किया तो वो कहते हैं प्रयोजनवती को ही सांप्रतिक कहते हैं, प्रयोजनवती लक्षणा को, क्या ऐसा ही है? तो सांप्रतिक शब्द ये है ना कि जिस समय आप यूज कर रहे हो, संप्रति भाव, संप्रति भवा लक्षणा,
अच्छा निरूढ़ से भिन्न, ये जरूरी है तात्पर्यवती हो प्रयोजनवती हो। तो ये संप्रतिभाव उसमें आया भी था, कल तेरे में बताया था संप्रतिभावा लक्षणा, संप्रति माने जो निरूढ़ से भिन्न आप कर रहे हो, कोई भी लक्षणा का प्रयोग आप कर दो। अब गंगायाम घोषणा में भी यहाँ पर ये संप्रति के लक्षण ही है ऐसे, पर यहाँ को दोनों प्रकार की लक्षणा जो है ना उसमें भेद का ज्ञान होता है ये बताना चाहता है सिद्धांत, सिर्फ है। दोनों में भेदक ज्ञान है और वो भेदक निरूढ़ लक्षणा है, है? भारतेंदु बोल रहा था सर। हाँ निरूढ़ लक्षणा तो प्रयोग प्रवाह से प्राप्त होती है। हाँ जी, संप्रति कहने का अभिप्राय है कि जो किसी काल विशेष में आप कोई प्रयोग उस प्रकार से कर लेते हैं, हाँ चाहे उसमें प्रयोजन हो तो शायद उसका निषेध नहीं, मैं ऐसा समझ पा रहा। हाँ अच्छा शब्द मिला है संप्रति का, मतलब वो सीधा बात ये है, मेरे को साहित्य का तो आप ज्ञाते लोग हो, मतलब है कि प्रयोग बाहुल्य पर जो प्रयोग कर रहे हैं ना वो है आपका निरूढ़ गौणत। जी 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 वही जी, और जो जिसमें प्रयोग बाहुल्य नहीं है आप अपने हिसाब से कहीं पर भी उसका प्रयोग कर देते हो वो जी प्रयोग बाहुल्य पर आधारित नहीं है तो वो सांप्रतिक लक्षण है। सांप्रतिक बिल्कुल। अच्छा अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई आप ये देखो कि दोनों में भेद जरूर होना चाहिए, चाहे वो सांप्रतिक लक्षण हो यानी सांप्रतिक गौणत्व हो चाहे वो निरूढ़ गौणत्व। और सिद्धांत ही कह रहा है कि आपको वो भेद ज्ञान, वो अहम में और शरीर में आपको भेद ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि आपको अहम का वास्तविक स्वरूप नहीं मालूम, तभी आगे चल करके वो सिद्धांत ही अपनी बात को सिद्ध कर रहा है। तत्सिद्धम गौणत्वम उभय दर्शनो गौण मुख्य विवेक विज्ञानेन व्याप्तम, गौण मुख्य विवेक यानी गौण मुख्य के भेद के ज्ञान से व्याप्त है, यानी गौण मुख्य का जो भेद का ज्ञान है वही व्यापक है गौणत्व का, गौणत्व व्याप्य है। तद इह व्यापकं विवेक ज्ञानम निवर्तमानम गौणतामपि निवर्तयति, इसलिए जो यहाँ पर व्यापक विवेक ज्ञान है निवर्तमानम माने आपको पता ही नहीं है अहम का असली स्वरूप, तो विवेक ज्ञान है ही नहीं आपको, तो विवेक ज्ञान जब आपको नहीं है विवेक ज्ञानम निवर्तमानम गौणताम अपि निवर्तयति, अर्थात आपका जो अहम का प्रयोग गौण मान रहे हो शरीर में ये ठीक नहीं है। समझ आई बात? तदीह व्यापकम विवेक ज्ञानम गौणताम अपि निवर्तयति, ये एक एक तो मुख्य पॉइंट ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आगे चलकर भी आएगा कि पूर्व पक्ष से यानी कि जो जो प्रॉब्लम खड़ी करता है अध्यास के अगेंस्ट वो गौण प्रयोग का आश्रय लेता है और सिद्धांती इस बात पर बल देता है कि भाई गौण नहीं ये भ्रम है इत्यादि। नच बाल स्थविरयो, अच्छा एक तो अभिज्ञा रूप बात तो ही खत्म हो गई, ये तो ज्ञान के लेवल की बात थी जो खत्म समाप्त हो गई, अब प्रत्यभिज्ञा को ले रहे हैं। नच बाल स्थविर शरीर भेदेपि सोहम एकस्य आत्मना प्रतिसंधानात् देहादिभ्यो भेदेन अस्ति आत्मानुभव इति वाच्यम्। आप वो कह रहे हैं कि भाई आप जो बालकपन का शरीर है और जो बुढ़ापे का शरीर है इन दोनों में तो आपको भेद है, भेद होने पर भी आपको सोहम एकस्य आत्मन प्रतिसंधान, आपको एक ही आत्मा की प्रत्यभिज्ञा हो रही है ना। जो बहुत ज्यादा चिंतक लोग हैं और जो जिन्होंने दर्शन पढ़ा हुआ है और जैसे अब हम भी जब भी थोड़ा भी एकदम इंट्रोस्पेक्शन में आ जाएंगे तो हमको लगता है कि भाई हम शरीर से भिन्न हैं, यानी विवेकी पुरुष की बात कर रहे हैं कि बालकपन में और बुढ़ापे में शरीर के भिन्न होने पर भी उनको ये प्रतिभिज्ञा होती है कि मैं वही हूं। अब मुझे ये ध्यान है भाई वही मैं ही हूँ, भाई मैं वही हूँ काशीराम जो 1971 में हंसराज कॉलेज में लगा था, 1971 अभी भी मुझे ध्यान है वो, और फिर आप लोगों का जो कांटेक्ट ऐसे होता रहता है वो भी उस प्रत्यभिज्ञा पर ही
को प्रमाणित करता है प्रतिसंधानात प्रतिविज्ञा के कारण। तो देहादि से भिन्न आत्मा का अनुभव होता है ऐसा वो पूर्व पक्षी अब कह रहा है। भेदेन अस्ति आत्मानुभव, भेद तो प्रतीत हो ही रहा है। तो सिद्धांती कहता है नच वाच्यम, ये बात भी भाई बात आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि परीक्षकाणाम खलु इयम कथा। बहुत चिंतक लोग होते हैं ना, बड़े थिंकर्स लोग होते हैं, थिंकर जो होते हैं उनकी है ये बात। तुम न लौकिका नाम, लौकिक लोगों की बात नहीं है। और फिर और आगे एक बात कह दी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी, परीक्षकापि ही व्यवहार समय न लोक सामान्य मति वर्तन्ते। और जो परीक्षक लोग भी है ना, चाहे कितना ही वो थिंकर कैटेगरी का, थिंकिंग कैटेगरी का आदमी हो, कितना बड़ा थिंकर हो, व्यवहार समय में वो लोक सामान्य जो व्यवहार है उसका अतिवर्तन अतिक्रमण नहीं करते। भले मैं चिंतक इतना ही बड़ा हूं, लेकिन जब गली में कोई मेरे नाम से बुलाएगा तो मैं एकदम उसको, तो मेरी प्रतिक्रिया होगी ना उसके लिए। और कुछ मुझे बला बुरा भी कहेगा तो अभी मुझको बुरा ही लगेगा। तो ये सारा आगे अध्यास भाष्य में आएगा कि जो जो जन सामान्य का जो व्यवहार है वो पशु व्यवहार से भिन्न नहीं होता। आगे बता भी रहे ये वक्षत्यनंतरम एव ही भगवान भाष्यकार पशुवादि भिष्चा विशेषात, यानी जो प्रमाण प्रमेय व्यवहार है वो जैसे प्रमाण प्रमेय व्यवहार पशु करता है, तो पशु इत्यादि के लिए दृष्टांत दिया है ऐसा कि पशु के सामने हरी हरी घास आप ले जाओगे तो वो समझता है कि भाई ये तो मेरे से प्रेम ही कर रहा है, तो उसकी तरफ वो आता है। और ये डंडा उठा करके उसकी तरफ भागो तो वो भागेगा भी, ये तो मेरे को मारने आ रहा है तो इसलिए भागने लगता है वो। तो इसी प्रकार का पशुवादि का जो व्यवहार है प्रमाण प्रमेय व्यवहार, प्रमाण प्रमेय व्यवहार शब्द प्रयोग किया है शंकराचार्य जी ने, जो प्रमाण प्रमेय व्यवहार लोक सामान्य का है वो पशुओं से भिन्न नहीं। और वो जो लोक सामान्य लोगों का सामान्य व्यवहार है उसको परीक्षक लोग भी अतिक्रमण नहीं करते। और अपना अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। बाह्या प्याहु, बाह्या का मतलब बौद्ध धर्म कीर्ति इत्यादि की बात है ये। शास्त्र चिंतका खलु एवं विवेचयन्ति न प्रतिपत्तारः, जो शास्त्र का चिंतन कर रहे हैं वो इस प्रकार का विवेचन करते हैं। सामान्य ज्ञान रखने वाले प्रतिपत्तारः का मतलब सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करते। ये समझ आ रही है ना बात। पशुवादिभिश्चा विशेषात इति बाह्य अप्याहु शास्त्र चिंतका खलु एवं विवेचयन्ति न प्रतिपत्तारः। तो फिर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जो आ रहा है, तत्पारिशेषाद चेदात्म गोचरम अहंकारम इहास्मि सदने इति प्रयुञ्जानो लौकिकः शरीराद्यभेदग्रहाद आत्मनः प्रादेशिकत्वम अभिमन्यते नभस एव घट मणिक मणिक मल्लिकाद्युपाध्यवच्छेदात इति युक्तम उत्पश्याम। या कॉन्क्लूड कर रहे हैं उस अपने आर्गुमेंट को। तत्पारिशेषात, तत्पारिशेषात का क्या मतलब है? जो गौण प्रयोग किया गया था वो तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या हो सकता है? तत्पारिशेषात यानी गौणत्व का प्रयोग नहीं होता तो फिर कौन सी स्थिति बची? तत्पारिशेषात उससे बची हुई स्थिति क्या है उसको ये बता रहे। यानी पूर्व पक्षी को ये कह दिया कि तू गौण वो अहम का गौण प्रयोग नहीं हो सकता देह के लिए, तो फिर क्या हो सकता है वो समझा रहे हैं। चिदात्म गोचरम अहंकारम यानी वो अहंकार अहम जिसका चिदात्मा विषय है, चिदात्मा जिसका आलंबन है, ऐसा जो अहम शब्द है, अहम यह अस्मि सदने जो कहा था, अहम यह अस्मि सदने जानाने आया था ना वहां पर, उसी को ले रहे हैं यहाँ पर। ये अहम यह अस्मि सदने इति प्रयुञ्जानो लौकिकः, इस प्रकार जो सामान्य
जन जो प्रयोग करता है तो कैसे प्रयोग करता है वो, शरीराद व्यभेद ग्रहाद आत्मना प्रादेशिकत्वम अभिमन्यते, शरीर आदि से उसका अभेद ज्ञान करके आत्मा को प्रादेशिक कहता है। भ्रांति से शरीराद व्यभेद ग्रहाद यानी शरीर आदि से आत्मा को अभिन्न मान करके, यानी शरीर आदि से अभिन्न मान करके मान ले वही अध्यास के कारण, भ्रम के कारण, भ्रम पूर्वक, और उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। शरीराद व्यभेद ग्रहाद शरीर आदि से अपने उस अहम को जिसका आलंबन चिदात्मा है उससे अभिन्न मानकर, अभिन्न जान करके आत्मना प्रादेशिकत्वम अभिमन्यते, आत्मा का, आत्मा की देश परिच्छिन्नता मानता है। कैसे मानता है? आकाश की तरह। जैसे आकाश को हम कभी घटाकाश कह देते हैं, क्यों कह देते हैं? कि घट उपाधि से वो परिच्छिन्न है। ये घट मणिक मल्लिक ये है ना, ये घड़ा है, किसी का मटका अर्थ है, इसका अर्थ हांडी अर्थ है। घट मणिक मल्लिका ये मिट्टी के बने हुए बर्तन है। जैसे इन मिट्टी के बने हुए बर्तनों से जिनको उपाधि मान करके भामतिकार प्रयोग कर रहे हैं, घट मणिक मल्लिकादि उपाध्यवच्छेदा, जैसे आकाश, अब घट शब्द को ले लो, जैसे आकाश घट उपाधि से अवच्छिन्न है और उसको हम कह देते हैं घटाकाश, तो घटाकाश, घटाकाश कोई घट से सीमित थोड़ी हो जाता है। तो ये जैसा ये प्रयोग है कि नभ को हम मठ से, घट से, हांडी से, मटके से, घड़े से परिच्छिन्न मान लेते हैं, वो भ्रांति है। इसी प्रकार से जो अहम जिसका आलंब चिदात्मा है उसका शरीर से अभेद अभेद जान करके ही हम आत्मा को प्रादेशिक मानते हैं भ्रम से। यानी शरीर को उपाधि मान लिया उसका आत्मा का, तो शरीर, शरीर का जो धर्म है वो हमने आत्मा में आरोपित कर दिया। जैसे घड़े को हमने उपाधि मान लिया, उसको हमने आकाश पे घटाकाश मटाकाश इत्यादि कह दिया। ठीक इसी प्रकार हमने आत्मा का और शरीर का अभेद मान लिया, और अभेद मान करके आत्मा को हमने शरीर मान लिया, और शरीर के अंदर फिर जो भी है कर्तृत्व, दमन, कृशत्व इत्यादि, वो सारे हम आत्मा में आरोपित कर लेते। इस प्रकार से सिद्धांती अपनी बात को सिद्ध करता है कि अहम का शरीर में गौणक प्रयोग नहीं हो सकता। फिर इतना ही आज करते हैं, और बात कुछ ही करनी हो करो। तो एक अवच्छेदवाद यहाँ उन्होंने कही दिया, एक तरह से अवच्छेदवाद की ओर संकेत दे दिया ना। हाँ हाँ हाँ, वाचस्पति हाँ दे दिया। कोई प्रॉब्लम रह रही है तो बताओ। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कहाँ थे? नहीं मैं शुरू से हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओमनाथ, ओमनाथ कहाँ है? जी मैं यही हूँ सर, यही हूँ। अब कुछ कुछ बात ठीक ठाक हुई सर? बहुत बढ़िया अत्यंत बढ़िया सर। सर बहुत अच्छा, कितना प्रांजल है आज तो बहुत अच्छा समझ में आया। इस आ गया ना, मतलब ये है कि समझना ही चाहिए बस ये, और फिर आप जैसे कुछ से पूछोगे तो मैं और सोचूंगा तो और क्लियर होगी बात। आपका भी तो योगदान रहेगा ना मुझे समझाने में। अरे नहीं सर वैसे है, ग्रंथ तो कठिन ही है नहीं लगता है ना अच्छा वो जो प्रतिहर्ता वाली बात कौन पूछ रहा था? वो हेलो प्रतिहर्ता वाली,
मिथिलेश सर पूछ रहे थे। अच्छा मिथिलेश सर थे क्या? हाँ जी। तो वो तो प्रतिहर्ता वाली बात तो उसमें देख लो मीमांसा में, वो जो सोलह ऋत्विक है ना, सोलह ऋत्विकों में एक है ये, और इतना ही मुझे मालूम है उद्गात्री गण के अंदर इसको रखा गया है। मिथिलेश जी, मिथिलेश जी नहीं है, नहीं पूछने आए थे लग रहा है, जो नहीं है वो है, इतना पूछ के ही चले गए लग रहा है। नहीं हाँ है नहीं। मिथिलेश जी दिखाई दे रहे हैं, ऑडियो से कनेक्ट करो ना। मैं अब तो वीडियो से भी कनेक्टेड हो गए, अब तो वीडियो से कनेक्ट हो गए। हाँ जी, वो क्या प्रतिहर्ता आप पूछ रहे थे? हाँ की आवाज आई 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 नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही उनकी। मेरी नहीं आ रही? नहीं 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 सर की नहीं। आपकी आ गई अब तो, थोड़ी थोड़ी आ रही है, पता नहीं आप बोले जा रहे हैं। प्रतिहर्ता की बात पूछ रहे थे क्या आप? बता देना बिमली ने। हाँ जी जी प्रतिहर्ता का स्वरूप उतना जानना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो है कि वो उद्गाता का विच्छेद हुआ तो नैमित्तिक यज्ञ बिना दक्षिणा के करना है और एक दक्षिणा के करना है, उनमें कौन प्रबल है कौन। जी अच्छा, वहां जो सर चर्चा हो रही थी ना सर, वो प्रामाण्यवाद की। एक मिनट, हेलो। हाँ जी वो हाँ हाँ नहीं, अब वो सर्वस्व दक्षिणेन का ये क्या स्वरूप होगा, ये तो टेक्निकल बात होगी ना। हाँ वो ये तो मुझे पता है, बाकी वो उसका क्या फंक्शन है वहां पर ये पता नहीं है। हाँ वो तो अब इतना कहाँ यार मीमांसा का ध्यान। हाँ 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 वो मतलब ये तो मुझे मालूम था उद्गाता का, क्योंकि वो और क्योंकि वो दोनों रिलेटेड है ना, इसलिए दोनों क्रम से जब विच्छेद हो जाएगा तो उनको ही करना पड़ेगा वो, और करेंगे हैं। हाँ 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 ओके ओके हाँ ठीक है ओके ओके जी नमस्कार।